जा रहा हूँ। नेक्स्ट मॉड्यूल में क्या बेटा, पिछले मॉड्यूल में हमने किया था डिवीजन ऑफ सेक्टर्स, इनकम की डिवीजन कैसे है, ठीक है, गर्ल्स और ठीक है, इनकम की डिवीजन कैसे है मेन और वुमेन के बीच, ठीक है, हमारे जो सेक्टर्स में, अलग अलग सेक्टर्स में वुमेन और मैन की इनकम में क्या डिफरेंस है, कैसे उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। नाइन्थ जो मॉड्यूल है इसमें हमने क्या करना है, डिवीजन ऑफ सेक्टर्स, सेक्टर्स की डिवीजन, ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या फर्क है, ठीक है, कैसे कैसे इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कौन से सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, कौन से अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, ठीक है, ये हमने उससे बाद टॉपिक स्टार्ट करना है, डिवीजन ऑफ सेक्टर्स, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज, ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को की डिवीजन कैसे होती है, ठीक है। इस जो नाइन्थ मॉड्यूल है ओनली इसमें क्या समझाया गया, ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में ही समझाया गया है सारा का सारा, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपके पास काम कैसा, ठीक है, काम कैसा है, इसकी बेसिस में हमने इकोनॉमी सेक्टर में इकोनॉमी को तीन थ्री पार्ट में डिवाइड किया था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। और अब एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे, एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे, ठीक है, सेक्टर्स के वो दो और सेक्टर्स बन गए, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, ठीक है। वो काम की बेसिस पे, काम कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है, वो था आपका इकोनॉमी को उस अकॉर्डिंग जब डिवाइड करते थे तो क्या था आपका बनता था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। और अगर दूसरे व्यू पॉइंट से देखें, एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे देखें, तो दो तरह के सेक्टर हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। इस मॉड्यूल में हमने ओनली बेटा ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पढ़ा, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, मान लो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कांता, कांता कोई भी काम करती है, जॉब पे लड़की है, वो वर्क करती है ऑफिस में, ठीक है, ऑफिस में वर्क करती है, उसे काम करना पड़ता है 9:30 से लेकर 2:30 तक, ठीक है, 9:30 AM से लेकर 2:30 PM, ठीक है। वो उसको सैलरी भी प्रॉपर टाइम पे मिलती है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड जो कि वो रिटायर होते हैं, प्रोविडेंट फंड भी मिलता है, मेडिकल अलाउंसेस भी मिलते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर भी उसे मिला हुआ है, उसको उसकी मर्जी के बिना, ये नहीं है कि काम जिसके अंडर काम करती है वो अपनी मर्जी से उसे निकाल दे कि हाँ जी निकल जाओ, अब आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इस सेक्टर को जिसमें सभी तरह की बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है, ठीक है, टाइम का पक्का पता है, सैलरी का भी पक्का पता है, फंड भी मिलेगा, मेडिकल अलाउंस भी मिलेगा, ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर भी मिला हुआ है और जॉब की सिक्योरिटी भी है, इसको हम क्या कह देते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कमल, ठीक है, कमल है, कमल है, कमल ने ग्रॉसरी शॉप पे काम करती है, ठीक है, ग्रॉसरी शॉप पे काम करती है, उसे काम करना पड़ता है 7:30 से लेके 7:30 से 8:30 रात का काम करना पड़ता है 8:30 PM पर, ठीक है। फिर उसे पे भी 10 मिलती है, ठीक है, सैलरी टाइम पे नहीं मिलती, कभी नौकरी से उसे जो जिसके अंडर काम करती है वो कभी भी उसे नौकरी से क्या है निकाल सकता है, ठीक है, कभी भी उसे नौकरी से क्या कर सकता है बाहर कर सकता है। इस तरह के सेक्टर को हम क्या कहेंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको बता दिया। आगे ऑर्गेनाइज सेक्टर इस मॉड्यूल में बेसिक टॉपिक है, मेन टॉपिक है, ठीक है, वो पढ़ेंगे, मोर अबाउट कवर, ठीक है। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है कौन सा सेक्टर होता है, जो रजिस्टर्ड अंडर द गवर्नमेंट रूल्स, जो गवर्नमेंट के रूल्स के अंडर क्या होता है, रजिस्टर हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से चलता है, वो था ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, प्लेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, ऐसी प्लेस जहाँ पे टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, एम्प्लॉयमेंट रेगुलर मिलती है, ठीक है, पक्का पता है कि नौकरी मिलनी ही मिलनी है, ठीक है, नौकरी मिलनी ही मिलनी है, ठीक है, वो क्या है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह सकते हैं, एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट के सुपरविजन के अंडर होता है, ठीक है, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से वो सेक्टर चलता है, देन पीपल हैव रेगुलर वर्क, और लोगों के पास इस सेक्टर में क्या है, पक्का काम होता ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें पहला तो फैक्टर ये मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी, अपने सेक्टर प्लेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर,
term of employment are regular and under the supervision of government, then people have regular work. People के पास, लोगों के पास क्या है? Regular work, काम होता है. ठीक है? Next sector. Factory, ये जो organized sector है, government के act के हिसाब से, जो government ने कानून बनाए हुए हैं, उसके हिसाब से काम करता है. जैसे क्या होता है? Factory act हो गया. ठीक है? Shop and establishment act हो गया. Minimum wages act हो गया. ठीक है? Gratitude act हो गया. ठीक है? इस जो act बनाए हैं, कानून के हिसाब से, इसी कानून के हिसाब से ये रहता है, काम करता है. जैसे मान लो फैक्ट्री एक्ट में क्या है, फैक्ट्री एक्ट में गाइडलाइंस बताई जाती हैं कि कितनी एज से कितनी एज का आदमी ही काम कर सकता है. ठीक है? फिर जो आदमी मान लो उसकी कंडीशन अगर फैक्ट्री की है, फैक्ट्री का फर्ज है कि वो अपनी वर्कर की सेहत का ध्यान रखे. ठीक है? वर्कर के सेहत का ध्यान रखे. ठीक है? वर्कर की हेल्थ की केयर करना उसका काम है. नेक्स्ट सेफ्टी, वर्कर की सेफ्टी होनी चाहिए. ठीक है? सिक्योर होना चाहिए. शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बनाया गया गवर्नमेंट ने. मिनिमम वेजेस एक्ट, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो इतनी सैलरी से नीचे किसी को भी सैलरी नहीं दे सकता. ठीक है? नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूड एक्ट. ग्रेटिट्यूड एक्ट क्या होता है? फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम. ठीक है? फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के बाद कंपनी कोई ना कोई आपको पैसे देती है या बेनिफिट देती है, वो आपको मिलता ही मिलता है. ठीक है? ये तो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर. जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड कोई ना कोई अपना काम कर रहे हैं, वो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही आते हैं. ठीक है? नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज सेक्टर के बेनिफिट्स क्या क्या देते हैं. ठीक है? सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सिक्योरिटी एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी मतलब ये नहीं है कि जब इसका बिल जाए आपको काम से निकाल दिया, आपको पक्का पता है आपको काम मिलना ही मिलना. ओवर टाइम, मान लो ओवर टाइम, कोई भी ओवर टाइम लगाता है, ठीक है, काम से ज़्यादा टाइम काम करता है, उसको क्या पैसे मिलते हैं. ठीक है? सिक पेड लीव, एक लीव होती है कि आप क्या करना जाओ और उसके पैसे सैलरी में से आपके कट करने हैं. ठीक है? वो सिंपल लीव होगी. ठीक है? पेड लीव क्या होगी? पेड लीव है कि आपको उस इंस्टीट्यूट ने लीव भी दिया और उस छुट्टी के आपको वो क्या पैसे भी दे रही है. सिक, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में मेन क्या होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो वाटर फैसिलिटीज का भी अच्छा पानी मिले एम्प्लॉयज को. ठीक है? सेफ एनवायरनमेंट ऑफ वर्क, काम करने का जैसे लड़कियों के लिए एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, एनवायरनमेंट सेफ होना चाहिए, वो भी प्रोवाइड करवाना उस सेक्टर का क्या होता है, काम होता है. ठीक है? नेक्स्ट है उस सेक्टर में आपको पेंशन भी मिलती है. ठीक है? इस तरह से कह सकते हैं जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट जॉब है, बैंक्स हैं एंड प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स ये सारे किसके अंदर आते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं. ठीक है? कल को जब आपको सैटरडे क्लास लगेगी, आपको मैं नेक्स्ट 11th ग्रुप में आऊँगा, उसमें हम आप ऑर्गेनाइज कल को आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में समझाया जाएगा. थैंक्स बेटा.